हेलो गाइस, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धिस, दैट, दीज और दोज, इनके प्रयोग के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कहाँ पर धिस का प्रयोग होता है, कहाँ पर दैट का प्रयोग होता है, उसी तरह कहाँ पर दीज लगाया जाता है और दोज कहाँ पर लगाया जाता है। तो देखिए, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है पर पास है तो वहाँ पर हम धिस का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है पर वो दूर है तो उस वक्त हम दैट को यूज़ करेंगे। चलिए फिर से समझते हैं। अगर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है पर वो पास है तो उस वक्त हम धिस का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर है पर वो दूर है तो उस वक्त हम दैट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आइए अब जानते हैं कि दीज और दोज, इनका यूज़ हम कब करेंगे। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लूरल है पर पास है तो दीज का प्रयोग करेंगे, और इसके उल्टा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लूरल है पर दूर है तो उस वक्त हम दोज का यूज़ करेंगे। फिर से समझते हैं। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लूरल है पर वो पास है तो उस वक्त हम दीज का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लूरल है पर दूर है तो उस वक्त हम दोज का प्रयोग करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर जो अभी चीज़ मैंने आपको समझाई है इसको आपको अच्छे से रट लेना है, यानी कि अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब धिस, दैट, दीज, दोज, इनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। अब देखिए, मैंने कहा यह किताब, यह किताब। अब यह किताब मेरे पास है या दूर है? अब यहाँ पर ज़रा आप सोचिए, अगर यह किताब मेरे से दूर होती तो मैं यहाँ पर यह किताब कहती क्या? नहीं कहती, बल्कि मैं कहती वह किताब। तो यह किताब मेरे पास है तो मैं इसे कहूँगी धिस बुक। अब ये किताब एक है या एक से ज़्यादा है? अगर ज़्यादा होती तो मैं इनको कहती किताबें, पर मैं यहाँ पर कह रही हूँ किताब, यह किताब। तो यहाँ पर देखिए, यह किताब एक है यानी कि सिंगुलर है और पास में है तो मैं कहूँगी यह किताब, यानी कि धिस बुक। और अगर अब मुझे कहना है वह किताब या फिर वो किताब, तो यहाँ पर देखिए, वह किताब या वो किताब एक है यानी कि सिंगुलर है पर दूर है तो इसे मैं यहाँ पर क्या कहूँगी? दैट बुक, दैट बुक, वह किताब या वो किताब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पर है ये किताबें या यह किताबें। अब देखिए, यहाँ पर किताबें एक से ज़्यादा है यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल है और पास में है, और पास में इसलिए है क्योंकि मैं कह रही हूँ ये किताबें या फिर यह किताबें। और अगर किताबें दूर होती तो मैं कहती वे किताबें या फिर वह किताबें। तो किताबें यहाँ पर पास में हैं और एक से ज़्यादा है तो मैं इन्हें क्या कहूँगी? दीज बुक्स, दीज बुक्स, यानी कि ये किताबें या फिर यह किताबें। और इसके उल्टा वे किताबें या फिर वो किताबें या फिर वह किताबें एक से ज़्यादा है पर वो दूर है तो यहाँ पर मैं इन्हें कहूँगी दोज बुक्स, दोज बुक्स। तो किताबें एक से ज़्यादा है पर पास है इसे हम कहेंगे दीज बुक्स, और किताबें जो है वो एक से ज़्यादा है पर दूर है तो इसे हम कहेंगे दोज बुक्स। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये बच्चे या फिर यह बच्चे। तो अब यहाँ पर देखिए, बच्चे एक से ज़्यादा है और बच्चे जो है वो मेरे पास में है। अगर दूर होते तो मैं कहती वह बच्चे, वे बच्चे, पर पास में है और एक से ज़्यादा है तो हम इनको कहेंगे दीज किड्स, दीज किड्स। इसका मतलब होता है ये बच्चे या फिर यह बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, वो लोग या फिर वे लोग। अब लोग जो है वो दूर है इसीलिए हम कह रहे हैं वो लोग, हम ये नहीं कह रहे कि ये लोग, हम कह रहे हैं वो लोग। तो वो लोग हम कब कहेंगे?
जब वो हमसे दूर होंगे और हम उनको इशारा करके बोल रहे होंगे वो लोग। तो यहाँ पर लोग हमसे दूर है और एक से ज़्यादा है तो हम इन्हें कहेंगे दोज पीपल। अगर लोग हमारे पास होते तो हम कहते दीज पीपल, यह लोग, पर लोग दूर है हमसे तो हम कहेंगे वो लोग यानी कि दोज पीपल। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है ये मछलियाँ, ये मछलियाँ। अब देखिए यहाँ पर मछलियाँ जो है वो एक से ज़्यादा है और पास में है। अगर दूर होते तो हम कहते वो मछलियाँ, पर मछलियाँ पास है तो हम कहेंगे ये मछलियाँ। तो मछलियाँ एक से ज़्यादा है यानी कि प्लूरल है और पास में है तो हम कहेंगे दीज फिशेस, दीज फिशेस, ये मछलियाँ। तो इस तरह से गाइज आपको इन सेंटेंसेस की खूब प्रैक्टिस करनी है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दीज दैट, दीज दोज, इनकी प्रैक्टिस करते वक्त जब भी आपके सामने दीज दैट दीज दोज इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस आएंगे तब आप ज़रूर सोचिएगा कि इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। साथ ही में आप ये भी सोचिएगा कि वो पास है या दूर है। इस तरह जब भी आपके सामने इनके सेंटेंसेस आएंगे तो आपको खुद ब खुद इसका अंदाज़ा लगाते चलना है और दिस दैट दीज दोज इनके एक्सरसाइजेस की खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। और आपको प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक इसका कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। तो गाइस ये थी हमारी छोटी सी वीडियो दिस दैट दीज दोज इस कॉन्सेप्ट को लेकर। तो आई होप गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी ही इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं फिर आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नया टॉपिक आप सब लोगों के लिए लेकर। तब तक कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड टेक केयर।